हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुशांत गोयल है। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज की वीडियो इलेक्ट्रिकल बिजनेस शुरू करने के बारे में है। जिसको भी नया बिजनेस शुरू करना है उसके कई सवालों का आंसर उसको इसके अंदर मिल जाएगा। कहाँ से मटेरियल लेना है, क्या प्राइस पे मटेरियल मिलता है, क्या मार्जिन मिलता है, कितना मटेरियल में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, सारी इन्फॉर्मेशन मैं इसमें देने की कोशिश करूंगा। जो आदमी नया काम शुरू करना चाह रहा है उसके लिए और जो ऑलरेडी इलेक्ट्रिकल का काम कर रहा है उन दोनों के लिए ये वीडियो बहुत फायदेमंद रहेगी। तो आप इससे रिक्वेस्ट है, आप ये वीडियो लास्ट से जरूर देखें। इलेक्ट्रिकल बिजनेस एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है। इसके अंदर बस जरूरत है थोड़ी सी प्लानिंग की। अगर प्लानिंग के साथ करेंगे तो जीत जाएंगे। इलेक्ट्रिकल आइटम्स की जरूरत हर घर के अंदर होती है, हर दुकान के अंदर होती है, हर फैक्ट्री के अंदर होती है। और जिस तरीके से, जिस स्पीड से इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई गांव-गांव तक पहुंच रही है, वैसे ही इस आइटम की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। हर घर में जरूरत पड़ती है। आप ये इलेक्ट्रिकल आइटम की दुकान किसी भी छोटे बड़े शहर में शुरू कर सकते हैं। उसी हिसाब से इसका बजट जो होता है वो डिसाइड होता है कि आपको कितना इसमें पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। छोटे शहर में बजट कम रहेगा, बड़े शहर में बजट ज्यादा रहेगा। इस वीडियो के अंदर हम 5 टॉपिक्स कवर करेंगे। खरीदने के लिए वस्तु की सूची, लिस्ट ऑफ परचेज ऑफ आइटम्स, अपनी दुकान का प्रचार कैसे करें, हाउ टू प्रमोट योर शॉप, सरकारी पंजीकरण और समर्थन, गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन एंड सपोर्ट, कहां से खरीदे माल को, फ्रॉम वेयर टू बाय द मटेरियल, दुकान शुरू करने का बजट, दुकान शुरू करने में कितने पैसे लगेंगे। सबसे पहला टॉपिक लिस्ट ऑफ आइटम्स। जब भी आप दुकान शुरू करेंगे तो आपको पहले ये देखना है कि जो डेली बिकने वाली आइटम है वो कौन कौन सी हैं। जैसे वायर, टेप, स्विच, सॉकेट होल्डर, बल्ब, 2 पिन टॉप, 3 पिन टॉप, MCB और पंखा, लाइट बल्ब, ट्यूब लाइट, ये आइटम ऐसी हैं जो रोजाना जिंदगी में चाहिए। किसी के खराब होती रहती है, किसी को रिपेयर कराने का है, तो आपके पास ये आइटम जरूर होनी चाहिए। जो भी आपका बजट डिसाइड करेंगे, आपको इतने पैसे इन्वेस्ट करने हैं, उसके अंदर हिसाब से रेशियो से डिवाइड करना है कि कौन सी आइटम कितनी लेनी है। आपको सारा पैसा एक आइटम के अंदर नहीं फंसाना। अगर आपके पास थोड़ा बजट ज्यादा है तो आप फैन, कूलर, एग्जॉस्ट फैन, टेबल फैन, पानी गर्म करने की रॉड, गीजर, हीटर, मिक्सी वगैरह भी इत्यादि आइटम ये रख सकते हैं अपने साथ। अब आपने सामान खरीदारी तो कर ली लिस्ट बना के, अब पॉइंट आता है इसको बेचना कैसे है, प्रमोट कैसे करना अपनी नई दुकान को। इसमें कुछ मेजर टॉपिक्स होते हैं, जैसे पहला हो गया सर्विस प्रोवाइड करना, दूसरा दुकान का स्थान कहाँ पर, दुकान है कहाँ पर आपकी, फिर आपने प्रचार कितना किया है, इसके ऊपर प्रचार का कोई बजट बनाया नहीं बनाया है आपने, फिर जो माल है उसकी गुणवत्ता कैसी रखी है और आपकी दुकान की मशहूरी किस तरीके से हो रही है, लोग क्या चीज समझ रहे हैं कि यहाँ पर सस्ता मिलता है या बढ़िया मिलता है, क्या चीज उनके दिमाग में जा रही है बात। मैं आपको एक एक करके इसके बारे में समझाता हूँ। अगर आपके पास सिस्टम है सर्विस प्रोवाइड करने का, तो रिपेयर मेंटेनेंस की सर्विस प्रोवाइड करने का, कि फॉर एग्जांपल किसी को कूलर ठीक कराना है या पंखा ठीक कराना है या मोटर वाइंडिंग करानी है, कोई मिक्सी वगैरह रिपेयर करवानी है, और आपके पास वो सिस्टम है रिपेयर कराने का, आप लड़का रख सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं, तो इससे आपकी दुकान की मशहूरी जल्दी होगी। आपको वहां पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्विस प्रोवाइड करनी है। एक्स्ट्रा सर्विस का मतलब कि लुभावनी सर्विस, जो कस्टमर आपके पास आए वो आपका हो जाए, वो 4 लोगों को आपके बारे में बताए, आपका व्यवहार ऐसा हो, आपकी सर्विस ऐसी हो, जैसे कि आप सिर्फ माल बेचना रहे हो, साथ में उसको इलेक्ट्रिशियन भी प्रोवाइड कर रहे हो माल लगवाने के लिए। जो इलेक्ट्रिशियन माल लगा के आएगा उसको आप कमीशन बेसिस पर रख सकते हैं, अपने साथ बांध सकते हैं कि जब मैं तुझे बुलाऊं आ जाइयो भाई लगवा दियो। जो कस्टमर आएगा उसको इतना पता है कि माल जब मैं यहां से लूंगा तो ये इलेक्ट्रिशियन भी प्रोवाइड कर रहे हैं वहां पर माल लगवाने के लिए, तो ये सर्विसेज से आपकी मशहूरी थोड़ी जल्दी होती है। दूसरी है लोकेशन शॉप की। कोशिश करें जो अपनी लोकेशन है शॉप की वो भीड़ भाड़ वाले इलाके में हो, चलती रोड के ऊपर हो, कोने में अलग सी रोड पे होगी तो थोड़ा चलने में समय लगेगा, मगर अगर भीड़ भाड़ वाले इलाके में होगी तो चलने में समय थोड़ा कम लगता है। तीसरा पॉइंट जो हमारा आता है वो है क्वालिटी, गुणवत्ता माल की। आपको कोशिश करनी है कि आप अपने एरिया में फेमस ऐसे हो कि आपके पास सबसे बढ़िया माल सबसे कम रेट पे मिलता है। आप कभी भी हल्का माल मार्केट से लाके ना बेचने की कोशिश करें सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के चक्कर में, क्योंकि इज्जत बनाने में बहुत समय लगता है, गंवाने में 2 मिनट लगते हैं। प्रोडक्ट खरीदें तो आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि आप अच्छे से अच्छा मटेरियल लें। आपके आसपास का जो कस्टमर है उसके मुंह पे ये होना चाहिए कि आपकी दुकान पे कभी भी गलत सामान नहीं मिलता है, हमेशा बढ़िया क्वालिटी का सामान ही मिलेगा, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रिकल का सामान है उसके सामान की कीमत कई बार इतनी ज्यादा नहीं होती जितना उसको बदलने का खर्चा लगता है, तो इसलिए जो यूजर होता है उसको बहुत चुभता है और जो उससे उसको परेशानी होती है वो भी बहुत ज्यादा होती है, तो इसलिए आपको क्वालिटी का बहुत
ध्यान रखना है, बढ़िया से बढ़िया मटेरियल कम से कम दाम पे वहां पर बेचना है। दूसरा, आपको कस्टमर को अच्छे से ग्रीट करना है, अच्छे से व्यवहार करना है। आप ये बात, एक रूल होता है कि कुछ समय बाद जब आपसे डीलिंग हो जाती है तो कस्टमर को ये ध्यान नहीं रहता कि उसने आपको क्या कहा था और आपने उसको क्या कहा था, उसको सिर्फ फीलिंग याद रहती है कि जब मैं उस दुकान पे गया था तो मुझे कैसी फीलिंग आई थी, मुझे रिस्पेक्ट की फीलिंग आई थी कि मुझे ऐसी फीलिंग आई थी कि इसको मेरी परवाह नहीं है। तो आपको हर कस्टमर को रिस्पेक्ट करना है और उसकी डिमांड को पूरा करने की कोशिश करना है। चौथा पॉइंट है पब्लिसिटी का। जैसे आपने जब दुकान शुरू करी तो उसके अंदर टेबल काउंटर वगैरह बनवाया, ये सब कुछ लगवाया, तो उसका आपने सोच रखा था कि वो खर्चा होगा ही होगा। वैसे ही आपको सोच के चलना है कि आपका बजट एक पब्लिसिटी के लिए होना ही चाहिए, जो आपका खर्चा होगा ही होगा। आपने अगर कुछ अमाउंट आपने दुकान के लिए सोचा कि मेरे को समझ लो 100 रुपए दुकान में लगाने हैं, तो आपको सोचना पड़ेगा कि मेरे को 5 रुपए पब्लिसिटी में खर्च करने ही करने हैं, जिससे आपकी दुकान की मशहूरी होगी। ये आपको दिमाग में बिठाना है। अगर आप इसको खर्च नहीं करेंगे, तरीके से नहीं पब्लिसिटी करेंगे, तो आपकी दुकान को चलने में समय ज्यादा लगेगा, जिसके अंदर आपका नुकसान है ना कि फायदा है। और चल गई दुकान थोड़ा सा पैसा खर्च करने से, तो आपके पैसे की रिकवरी जल्दी हो जाएगी और वो आप फटाफट से कमा लोगे जितना आपने खर्चा किया होगा। इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, आप पैम्फलेट बनवा सकते हैं, जो अखबार आपके यहाँ आस पास एरिया में बैठता है उसमें बंटवा सकते हैं, या लोगों के घरों में पढ़वा सकते हैं अखबार, आस पास के इलेक्ट्रीशियन से टाई अप कर सकते हैं, या कोई अगर कोई मंदिर है या फिर कोई पार्क है जहां पर लोग विजिट करते हैं, जहां पर लोग जाते हैं, उसके आसपास बैनर लगा सकते हैं, या कोई भी ऐसी क्राउडेड जगह, बस स्टॉप, जहां से कोई जल्दी से हटाए ना बैनर को, पोस्टर को, वहां आप बैनर पोस्टर बना के लगाइए, जिससे लोगों को पता लगे कि एक बिजली की दुकान यहाँ इस एड्रेस पे खुली है, उस पर फोन नंबर आपका बकायदा लिखा हो। अगर आप और अतिरिक्त काम बढ़ाना चाहते हैं तो आप वहां के बिल्डर से मिलिए, उनको बोलिए कि आपको कम वाजिब दामों पे बहुत अच्छी क्वालिटी का मटेरियल आप दे पाएंगे, उनसे टाई अप करिए, इससे आपकी बल्क सेल निकलेगी। वहां पे आप, अगर आपके आसपास कोई फैक्ट्री है, कोई इंडस्ट्री है, तो उनसे टाई अप करने की कोशिश करिए कि आप उनसे कॉन्ट्रैक्ट ले लेंगे पूरी सर्विस का, पूरी सप्लाई का, जो भी उनको मटेरियल चाहिए होगा आप लाके देंगे इलेक्ट्रिकल के अंदर, मेंटेनेंस के अंदर। हमारा तीसरा पॉइंट है गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट सपोर्ट का। अगर आपका 40 लाख रुपए से कम का टर्नओवर रहता है सालाना, मतलब 40 लाख रुपए से कम की सेल रहती है, तो आपको जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी नहीं है। आप खुद के लिए चाहे तो जीएसटी नंबर ले सकते हैं, मगर आपको लेना मैंडेटरी नहीं है। आप आधार कार्ड और पैन कार्ड के ऊपर मटेरियल मंगा के बेच सकते हैं। अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट या कुछ है, तो आप प्रधानमंत्री रोजगार योजना या फिर मुद्रा योजना के तहत बैंक से कम ब्याज दर पर लोन ले सकते हैं। इसके बारे में आपको गवर्नमेंट वेबसाइट पर पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चौथा हमारा मेजर पॉइंट है परचेज कहाँ से करना है, आपको मटेरियल की खरीदारी कहाँ से करनी है। आप और छोटी जगह से हैं और छोटे स्तर पर काम करना चाहते हैं, तो आप अपने आसपास की जो बड़ा शहर है उसके अंदर कोई ना कोई इलेक्ट्रिकल की मंडी होगी, वहां जाके आप थोक में माल ला सकते हैं, बल्क में माल ला सकते हैं और यहाँ पर बेच सकते हैं। अगर आपका बजट थोड़ा ज्यादा है तो आप दिल्ली से मटेरियल ला सकते हैं। दिल्ली के अंदर भागीरथ पैलेस के नाम से एक जगह है चांदनी चौक के अंदर, जो रेलवे स्टेशन के पास में ही पड़ती है, वहां पर इलेक्ट्रिकल का थोक में व्यापार होता है। वहां पर हजारों दुकानें इलेक्ट्रिकल की आइटमों की, जो होलसेल में मटेरियल बेचते हैं। और अगर आपको और भी ज्यादा बड़ा काम करना है तो आप किसी न किसी फैक्ट्री से टचअप कर सकते हैं और वहां से डायरेक्टली फैक्ट्री से माल खरीद सकते हैं। फैक्ट्री से माल खरीदने में फायदा ये होगा कि आपको कॉस्टिंग बहुत कम पड़ेगी, मार्जिन बेटर रहता है, लेकिन वहां से एक ये रहता है कि आपको थोड़ा बल्क में मटेरियल लेना पड़ता है, वो कम क्वांटिटी में डीलिंग नहीं करते हैं। आजकल एक नया रास्ता चला है इंटरनेट से माल मंगाने का। आप इंटरनेट पे इंडिया मार्ट, पे ट्रेड इंडिया पे या फिर गूगल पे भी ढूंढ सकते हैं कि कौन कौन से मॉड्यूलर स्विच के वायर के मैन्युफैक्चरर्स हैं या जो ट्रेडर्स हैं जो सप्लाई करने को तैयार हैं। आप वहां पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और उनका नंबर निकाल के बात कर सकते हैं। उसमें माल लेते हुए जरूर ध्यान रखिए कि एक बार आप विजिट जरूर करें उनको, उनसे जाके मिलें। जब भी आप भागीरथ पैलेस आएंगे या फिर किसी फैक्ट्री से मिलने आएंगे या इंटरनेट से भी किसी का नंबर निकालते हैं और उससे बात करते हैं, तो पहली बारी हम आपको एडवाइस करेंगे कि आप वहां पर विजिट करिए, आप समझिए माल को, देखिए क्वालिटी समझिए, उसके बाद वहां से माल खरीदिए। एक बार विजिट करना जरूरी होता है, बाकी का आगे का काम तो फोन पर ही हो जाता है, अकाउंट में पैसे डल जाते हैं और वैसे ही माल ट्रांसपोर्ट से आ जाता है, सारी डीलिंग फोन पर जाती है। लेकिन पहली बारी काम शुरू करने से पहले एक बारी मिलना जरूरी है कि आप किसके साथ काम शुरू कर रहे हैं। अब आई बात बजट की। अगर आप छोटे स्तर पे काम शुरू कर रहे हैं तो आपका 1 से 2 लाख के अंदर काम शुरू हो सकता है, और अगर आप मीडियम स्तर पे काम शुरू कर रहे हैं
तो आपका कम से कम 3-4 लाख रुपए का रिक्वायरमेंट होगा। अगर आप फैक्ट्री से काम शुरू कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट ये रहेगा कि आप मटेरियल लाके आसपास की दुकानों पे भी सप्लाई कर सकते हैं, जब वो बेचेंगे तो आपकी सेल अपने आप निकलने लग जाएगी, तो इससे आपकी 2-3-4 गुनी सेल हो जाएगी, उसमें भी आपको कुछ ना कुछ मार्जिन बचेगा, तो आप एक होलसेलर बन जाएंगे लोकल अपने एरिया के अंदर। तो ये एक सिस्टम है इलेक्ट्रिकल के व्यापार का, ऐसे ही हर जगह इलेक्ट्रिकल व्यापार हो रहा है। और अगर आप हमसे भी व्यापार करना चाहते हैं तो आप नीचे लिखे हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आपको हमारे पास इलेक्ट्रिकल स्विच सॉकेट वायर MCB बॉक्स 70-80% तक आइटम आपको मिल जाएगी और हमें आपकी सेवा करके बहुत खुशी होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, अगर आपको लगता है इससे आपको कुछ फायदा होगा, तो आप हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।